उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जा रही लिपिक व प्रोसेस सर्वर पदों की स्क्रीनिंग परीक्षाओं के मद्देनजर व विद्यार्थियों के हित व उन्हें बेहतरीन अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दिसंबर माह में आयोजित की जा रही अध्यापक पात्रता परीक्षाओं की पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 18 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को अब 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा 10वीं 12वीं कक्षाओं की टर्म एक परीक्षाओं के पेपर मूल्यांकन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और इसके लिए 49 मूल्यांकन केंद्र स्थापित किए गए हैं। टेट की परीक्षाएं सारी की सारी जो जैसे हम कर रहे थे वो होंगी, लेकिन इसमें भी जो शेड्यूल है हमारा उसमें बदलाव हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट का कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम होना है 18 तारीख को, तो 18 तारीख के एग्जाम को देखते हुए सारे बच्चों को सुविधा मिले इस रिक्रूटमेंट एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो इसमें हमने आंशिक संशोधन किया है और 16/11/2022 को हमने इसकी डेट शीट और शेड्यूल जो है अमेंडेड डाल दिया है, वो फाइनल रहेगी। पेपर देखने हैं टर्म वन के जो पेपर हुए थे, क्योंकि इलेक्शन था तो इलेक्शन में अध्यापक सभी व्यस्त थे तो हमें अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाए। अब टर्म वन के एग्जामिनेशन जो पूरे हमने कर लिए थे, इवैल्यूएशन अब हम प्रारंभ कर रहे हैं।